खुद को यार एज अ मैन इम्प्रूव करने के लिए मेरी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ऑन अ डेली बेसिस मैं करते आ रहा हूँ और जो मैंने अपने गोल्स वगैरह के अंदर लिखी हुई हैं कि हाँ मुझे ये सब चीज़ें करनी है और ये सब चीज़ों को ना करना है, ठीक है। ये सब चीज़ें मेरे को एज अ मैन डेवलप करने में मदद कर रही हैं, ठीक है, एज अ कॉलेज स्टूडेंट। उन सब चीज़ों के बारे में आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। इस वीडियो को यार थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बिल्कुल एक रॉ सेशन रहेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर वो सब जब मैं YouTube का वीडियो बना रहा था ना, तो ये स्क्रिप्ट वगैरह मैंने 3 पेजों की ना यहाँ पर लिखी हुई थी, ठीक है। तो मैं इसको बीच बीच में देखता रहूँगा, क्यों, क्योंकि अगर मेरा कोई पॉइंट मिस हो गया ना तो मेरे को बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा कि जो चीज़ मैं आपको कह नहीं पाया जो मैं कहना चाहता था, ठीक है। नाउ खुद को एज अ मैन इम्प्रूव करने के लिए यार जो आदतें मैं डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ और जो पिछले कुछ महीनों से मैं डेवलप कर रहा हूँ और मेरा उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा हाथ बैठ भी चुका है, वो ये है कि सुबह जल्दी उठना, सुबह उठने के बाद वर्कआउट करने के लिए जाना, अच्छा खाना खाना दिन के अंदर, और क्या कहते हैं रील्स वगैरह स्क्रॉल ना करना, और अपने आप को इस तरीके का बनाना कि मैं पॉडकास्ट वगैरह सुनूं ज़्यादा, सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियोस सुनूं ज़्यादा, जो वीडियोस मेरे काम के हैं मैं उनको देखूं ओवर नेटफ्लिक्स के ऊपर सीरीज़ वगैरह देखना, बेफालतू में टाइम वेस्ट करना मूवीज़ वगैरह देखने में, साथ ही साथ अपने साइड हसल पे काम करना जो कि है कंटेंट क्रिएशन, अब वो चाहे यूट्यूब पे वीडियोस बनाना हो जैसे कि अभी बना रहा हूँ और रील्स वगैरह रिकॉर्ड करना ताकि वो मेरे को कुछ इनकम वगैरह ला के दे रही हूँ, और एक पर्टिकुलर टाइम पे सोना रात को और वो है 11:30। अब ये कुछ ऐसी आदतें हैं यार जो मैं ऑन अ डेली बेसिस अपने अंदर डेवलप कर रहा हूँ, और कुछ ऐसी आदतें भी हैं यार जो मेरे अंदर ऑलरेडी बनी हुई हैं और मैं उनको ओवरकम करना चाहता हूँ जो मुझे लगता है कि मेरे लिए अच्छी नहीं है। सबसे पहले मैस्टरबेट ना करना, ठीक है, और किताबें जैसे कि नॉवेल्स वगैरह होती हैं उन्हें पढ़ना, ठीक है, रील स्क्रॉल ना करना, ठीक है। और मेजरली यार जो मैं अपनी लाइफ के अंदर एक हैबिट को डेवलप करना चाहता हूँ ना और अपने लाइफ के अंदर ओवरकम करना चाहता हूँ जो मेरे को लगता है मेरे लाइफ में नहीं है, वो ये है कि अपने दिमाग के ऊपर मेरा कंट्रोल होना चाहिए। वो ये है कि मेरा दिमाग जब मुझे बोले, मेरे को एक्सक्यूजेस दे कि यार आज तो तू बड़ा ज़्यादा थका हुआ है, आज रहने दे, पिछले 7 दिन से तो तू जिम जा ही रहा हुआ है तो आज रहने दे, या फिर आज एक काम कर, आज हिला ले, आज मास्टरबेट कर ले, इतने दिन से तो तूने नहीं किया हुआ है, 10-15 दिन हो गए हैं तेरे को किए हुए तो आज कर ले, फिर उसी के साथ साथ यार आज कॉन्टेंट बना दे, आज क्लाइंट ने तो वीडियो मांगा नहीं हुई है, क्लाइंट ने तो वीडियो मांगा हुआ नहीं है, उसको तो वैसे भी 10 दिन के बाद देना है तो 2-3 दिन के बाद भी हो सकता है, आज उसको रिकॉर्ड कर ले, ठीक है। मोर इंपॉर्टेंटली यार जो एक हैबिट मैं अपने लाइफ के अंदर डेवलप करना चाहता हूँ वो है कि मेरे माइंड के ऊपर मेरा कंट्रोल हो, ठीक है। नाउ ये सब आपको पता चल गया कि एज अ मैन खुद को इंप्रूव करने के लिए मैं क्या क्या चीजें कर रहा हूँ। नाउ माय क्वेश्चन इज कि ब्रो तू ये सब चीजें क्यों नहीं कर रहा है, एज अ मैन तू खुद को इंप्रूव करने के लिए क्यों कोई कदम नहीं उठा रहा है अपनी लाइफ में। नाउ आई एम गोना प्रूव इट टू यू। इफ़ यू आर थिंकिंग कि मेरा ये टोन तुम्हें बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक लग रहा है, ठीक है, या फिर मैं बहुत ज़्यादा रूड होके बात कर रहा हूँ, बट ब्रो इन दिस वीडियो मैं तुझे तेरी सच्चाई बताना चाहता हूँ कि तू अभी तक क्या करते हुए आया है और अगर तूने खुद को एज अ मैन इम्प्रूव नहीं किया तो क्या क्या तेरे साथ हो सकता है। नाउ इस वीडियो में यार तुम मुझसे ज़्यादा रिलेट नहीं कर पाओगे जस्ट बिकॉज यार यू आर सीइंग मी। अगर तुमने अभी तक अपने लाइफ में कुछ भी इम्प्रूव नहीं ना किया हुआ है, ना तुम्हारा फाइनेंशियली सेक्टर मतलब ठीक है थोड़ा सा, तुम ना फाइनेंशियली स्ट्रांग हो रहे हो, ना फिजिकली, ना मेंटली, ना स्पिरिचुअली, ठीक है, तो तुम मेरे साथ रिलेट नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम अभी ना सिर्फ और सिर्फ एक सक्षम महाजन करके एक यूट्यूबर को देख रहे हो जो वीडियोज़ बनाता है, जो जिम वगैरह जाता है, जो अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने कर रहा है, ठीक है, और तुम्हें तुम ये वाला वीडियो देख रहे हो मेरा, तुमने मेरी पहली वाली जर्नी नहीं देखी हुई है, राइट। Now I'm gonna tell you a story of my friend, ठीक है, मेरा एक दोस्त है और तुम उसके साथ ज़्यादा relate करोगे, क्यों, क्योंकि वो बिल्कुल और बिल्कुल तेरे जैसा ही है, ठीक है। Now मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूँ बट मैं उसे ऑस्कर कह के बुलाऊंगा इस वीडियो में, ठीक है। अब ऑस्कर एक ऐसा लड़का है यार जो ऑन अ डेली बेसिस कोई भी सेल्फ इंप्रूवमेंट वाले वीडियोज नहीं देखता है, कोई भी सेल्फ इंप्रूवमेंट वाला काम नहीं करता है। ऑस्कर यार पूरे दिन में 2-3 बार मैस्टरबेट करता है, 2-3 बार हिलाता रहता है, ठीक है। ऑस्कर एक ऐसा लड़का है जो सिगरेट भी पीता है। ऑस्कर एक ऐसा लड़का है यार जो दिन में 4-5 मील्स अच्छे खाने की नहीं ले रहा है और इंस्टेड वो जंक फूड खाता है या फिर मेस का फूड खाता है या फिर घर का खाना खाता है, ठीक है। ऑस्कर यार वर्कआउट भी नहीं करता है। ऑस्कर पूरा दिन इंस्टाग्राम की रील्स पर स्क्रॉल करता रहता है, ठीक है, यूट्यूब पर स्क्रॉल करता रहेगा, बेफालतू की वीडियोस देखता रहेगा जो उसके किसी भी काम की नहीं है, ठीक है, और जब वो उससे बोर हो जाएगा तो फिर वो म्यूजिक सुनना स्टार्ट कर देगा या फिर वो लूडो खेलना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अब ऑस्कर एक ऐसा लड़का है एंड आई नो
कि तू भी कहीं ना कहीं पर ऑस्कर से रिलेट करता है, क्यों? क्योंकि ये सब चीजें तू भी करता हुआ है। नाउ अब मैं जब ऑस्कर को ये चीज पूछता हूं कि ब्रो व्हाई यू आर नॉट इंप्रूविंग योरसेल्फ, तू खुद को इंप्रूव क्यों नहीं कर रहा है, मतलब तुझे तो मोटिवेशन लेना चाहिए ना, यू आर माय फ्रेंड एंड यू आर सीइंग मी कि मेरे पास वो हर एक चीज है, लेकिन मतलब मेरे घर वालों की तरफ से मेरे को हर एक चीज है और मैं अगर चाहूं तो मैं ये कंफर्टेबल लाइफ जी सकता हूं जैसे कि तू कर रहा है, बट इज दिस रियली अ कंफर्ट दैट इज हेल्पिंग यू? क्या ये कंफर्ट क्या सच में तेरी मदद कर रहा है? और मेरा यही सेम टू सेम क्वेश्चन ऑस्कर से भी है और ब्रो तुझसे भी है जो ये वीडियो देख रहा है, कि क्या तू खुश है कि तू खुद को इंप्रूव नहीं कर रहा है? अब ऑस्कर से या फिर अगर मैं तुझसे ये चीज पूछूंगा ना कि तू खुद को इंप्रूव क्यों नहीं कर रहा है, तो तू तेरा ये जवाब होगा और ऑस्कर का ये जवाब था कि मेरे पास टाइम नहीं है, ये एक्सक्यूज है कि मेरे पास टाइम नहीं है। ब्रो लिसन टू मी, द रियलिटी इज कि टाइम किसी के पास भी नहीं है, 24 घंटे होते हैं हर किसी के पास, ठीक है? उन्हीं 24 घंटों के अंदर यार कुछ ऐसे कॉलेज स्टूडेंट्स हैं जो ट्राई करते हैं कि मैं साथ ही साथ में कंटेंट बनाऊंगा या फिर साथ ही साथ में किसी एक एग्जाम की तैयारी वगैरह करूंगा, ठीक है? और वो लाइफ के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो उनका बहुत ज्यादा मन करता है करने का, लेकिन उसे टाइम नहीं देते हैं। इंस्टेड जहां पर उन्हें का मन करता है कि यार मैं मूवी देख लूं, मैं रील्स वगैरह स्क्रॉल कर लूं या फिर मैं टाइम अपना वेस्ट कर लूं, ठीक है, तो वो बच्चे अपना टाइम एक सही जगह पे इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि अभी मैं इस कंटेंट बनाने में अपना सही टाइम शिफ्ट कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि जब ये वीडियो पब्लिश होगा तो कहीं ना कहीं पर ये मुझे आने वाले टाइम में जरूर हेल्प करेगा मेरे फाइनेंशियली या फिर मेरे पर्सनल ब्रांड बिल्ड करने में। तो क्या टाइम टाइम किसके पास है, तू खुद बता क्या टाइम किसी के पास है? टाइम की डेफिनेशन ब्रो पता है क्या है? टाइम हम तभी एक चीज को दे सकते हैं जब हम कहीं से टाइम निकाल लेंगे। तो खुद को एनालाइज कर और अपने आप को पूछ और अपने आप से सच कह ये खुद को और सच को एक्सेप्ट कर कि क्या तेरे पास टाइम नहीं है। मैं एक स्टोरी बताना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले मैंने आज तक वैम्पायर डायरीज नहीं देखी हुई है, ठीक है, और मेरा भी मन करता है यार सीरीज वगैरह देखने का, मेरा बहुत ज़्यादा मन करता है कि यार मैं एक कोई वेब सीरीज वगैरह देखूँ, ठीक है, और मैंने वैम्पायर डायरीज देखना शुरू की थी। अब मैंने नेटफ्लिक्स के लिए पैसे नहीं खर्चे, अमेजॉन प्राइम के लिए पैसे नहीं खर्चे, मेरे एक दोस्त से मैंने उसका लॉगिन आईडी और पासवर्ड लिया, ओके, और मैंने वैम्पायर डायरीज देखना स्टार्ट की। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को ये चीज कही थी कि मैं ऑन अ डेली बेसिस सिर्फ और सिर्फ एक एपिसोड देखा करूंगा, क्यों? क्योंकि ऑन अ डेली बेसिस मैं कंटेंट बनाकर बहुत ज्यादा थक जाता हूं, जो कि मेरा एक एक्सक्यूज था, ठीक है, मैं खुद से झूठ बोल रहा था ये, और मैं एक ना एक एपिसोड देखा करूंगा वैम्पायर डायरीज का। ब्रो मेरे को इतनी ज्यादा लत लग गई ना उसकी कि पहले सीजन के 22 एपिसोड्स थे और पता नहीं छठे या फिर सातवें दिन पर मैं आई गेस 20वें एपिसोड पे था। और एंड्रयू टेट का मैंने एक वीडियो देखा और एंड्रयू टेट ने ये चीज कही थी कि आई डोंट वॉच मूवीज एंड आई डोंट वॉच वेब सीरीज, कि मतलब ऑन अ डेली बेसिस मैं मेहनत कर रहा हूँ और हफ्ते के बाद मैं किस चीज के लिए मतलब अपना वो सारी मेहनत को मतलब वो एक जगह पे कर रहा हूँ कि हाँ मेरे को चिल करना है मूवीज देख के। क्या वो मूवीज, क्या वो वैम्पायर डायरीज इतनी ही ज्यादा जरूरी है अभी मेरे लिए? और क्या वो सीरीज, क्या रील स्क्रोल करना, क्या तेरे लिए अभी इतनी ज्यादा जरूरी है? तो कहां पर वो टाइम जा रहा है तेरा और मेरा? मैंने खुद को एनालाइज किया खुद के दिन को और मेरे को पता चला कि ऑन अ डेली के 3 घंटे यार मेरे सिर्फ और सिर्फ इन सीरीज वगैरह को देखने में चले जा रहे हैं। देन आई रियलाइज यार कि आई नीड टू स्टॉप दिस, क्योंकि मेरे टाइम कंट्रोल करना तो मेरे ही हाथ में है। देन आई स्टॉप दैट, उसको मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने फ्री टाइम में मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपने पूरी वैम्पायर डायरीज को नहीं देखूंगा, ठीक है, और मैंने नहीं देखा अभी तक। और उसी की जगह पर मैं कंटेंट क्रिएट कर रहा हूं। अभी मैं सोया हुआ था, ठीक है, सुबह जिम गया था और आने के बाद आज मेरी 2 ही क्लासेस थी, तो 11:30 बजे आया, 10 मिनट कम 11 पे रूम पे आया था, 25 मिनट अपना एडिट किया और सो गया क्योंकि बहुत ज्यादा नींद आई थी। और अब 2 बजे उठा और मेरा बहुत ज्यादा मन कर रहा था खाना खाने के लिए, लेकिन मैंने खुद को कहा कि नहीं पहले मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करूंगा, अभी मुझे भूख लगी हुई है लेकिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, क्यों? बिकॉज दिस इज वॉट आई एम डूइंग टू इम्प्रूव माई सेल्फ एज अ मैन। अगर मैं ये सब चीजें कर रहा हूं तो ब्रो तू क्यों नहीं कर रहा है ये सब चीजें? आस्क योर सेल्फ दिस कि क्या तेरे पास टाइम सच में नहीं है? सच में तेरे पास टाइम है, लेकिन तू अपना टाइम गलत जगह पर स्पेंड कर रहा है। दिस इज जस्ट एन एक्सक्यूज कि तेरे पास टाइम नहीं है, जस्ट लाइक ऑस्कर। एक्सक्यूज नंबर टू, ऑस्कर ने ये चीज कही कि मैं
मेरे पास पैसे नहीं है एक नई स्किल सेट को खरीदने के लिए, मतलब एक मेरे को कोर्स खरीदना है लेकिन मेरे पास उसके लिए पैसे नहीं है, ठीक है, बिकॉज मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ, ये वो वगैरह एक्सक्यूज थे, मेरे पॉकेट मनी कम वगैरह आती है, ठीक है। मेरे डैड एक बिजनेसमैन है, ठीक है, आई एम गोना बी वेरी ऑनेस्ट यू, मैं एक मिडिल क्लास बच्चे में नहीं आता हूँ, मेरे पास वो हर एक रिसोर्स है, मेरे घर वाले मेरे को अच्छे पैसे भी देते हैं, ब्रांडेड कपड़े भी पहनाते हैं, मैं अगर चाहूँ ना, अगर मैं चाहूँ, और मतलब मेरे पेरेंट्स तो ऐसा नहीं चाहेंगे, लेकिन अगर मैं चाहूँ, अगर मेरी 4 साल की अब डिग्री खत्म होने वाली है सिविल इंजीनियरिंग की, और अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ से घर वापस जाकर अपने डैड का बिजनेस संभाल सकता हूँ। बट वाई आई एम डूइंग ऑल ऑफ दिस, वाई आई एम गेटिंग इन टू फिटनेस, मैं कॉन्टेंट क्रिएट कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए इतनी वैल्यू दे रहा हूँ, तुम्हें ये सब चीज़ें समझा रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ? कुछ ना कुछ तो होगा ना, खुद से ये चीज क्वेश्चन पूछ कि तू क्यों ये सब चीजें नहीं कर रहा है, खुद को इंप्रूव क्यों नहीं कर रहा है तू? मेरे पास तो वो हर एक रिसोर्स है, लेकिन फिर भी मैं खुद को क्यों इंप्रूव कर रहा हूं? ब्रो, मेरे डैड ने ना मेरे को आज तक बहुत ज्यादा पैसे दिए हुए हैं, ठीक है, और मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि जब लॉकडाउन की स्टार्टिंग हुई थी ना, आई वॉन्टेड टू बाय अ कोर्स ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग, वो एक कोर्स खरीदना था मुझे जिसका प्राइस था 4,000 रुपीज, ठीक है। उस टाइम पे मेरे दिमाग में ये था यार कि ना, मैंने अगले इंसान को देखा कि वो पैसा कमा रहा है इंस्टाग्राम पे, और मेरे को लगा यार मेरे को भी पैसे कमाने हैं, लेकिन उस टाइम पे मेरी पॉकेट मनी, मेरे अकाउंट में पैसे नहीं पड़े थे बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि एज अ कॉलेज स्टूडेंट यार, घर वाले पॉकेट मनी बेचते हैं हर महीने, हर 20 दिन में जब पैसे खत्म हो रहे हैं घर वाले पैसे बेच देते हैं। मेरे अकाउंट में कुछ ऐसा नहीं पड़ा हुआ था कि 2 लाख रुपए अलग से पड़े हुए हैं, 1 लाख रुपए अलग से पड़े हुए हैं, 50,000 रुपए अलग से पड़े हुए हैं, ठीक है। ये 2020 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे को कोर्स खरीदना था एक, मैंने अपने डैड को बोला कि पापा मेरे को 4,000-5,000 रुपए चाहिए, मेरे को वो कोर्स खरीदना है। अब ये ब्राउन पेरेंट्स बीइंग ब्राउन पेरेंट्स, उन्होंने तो यही चीज़ कहनी है कि नहीं नहीं ये बिजनेस वगैरह क्या होता है, ऑनलाइन अपना पढ़ने वगैरह पे ध्यान दो, पढ़ने वगैरह पे ध्यान दो, ठीक है। ब्रो, मेरे अकाउंट पे ना उस टाइम पे मैं घर पे आया था, मार्च का महीना था, 15th of March 2020, जब हमारे कॉलेज में हमें मैसेज आया था कि आप घर पे वापस जाओ, कोई कोरोना करके वायरस आ रहा है, ठीक है। तब हमें पता नहीं था कि कोरोना वगैरह क्या है। मैं घर पे गया, अप्रैल में मेरे को कोर्स खरीदना था, मेरे अकाउंट में वही पॉकेट मनी पड़ी होगी, कम से कम नहीं तो कोई 4,000-5,000 रुपए ऐसे कोई पड़ी होगी, ठीक है। मैंने अपनी लाइफ के अंदर रिस्क लिया, मेरे पेरेंट्स मेरे को सपोर्ट नहीं कर रहे थे उस टाइम पे, पैसे वगैरह नहीं दे रहे थे, और मैंने उस टाइम पे बोला कि हाँ ये वाले पैसे मैं खर्च कर देता हूँ, ठीक है। मैंने पैसे खर्च किए और मैंने बिजनेस सीखना स्टार्ट किया। एक प्रॉब्लम आया, मेरे पास लैपटॉप नहीं था। लैपटॉप इसलिए नहीं था, अब उसके बारे में भी मैंने एक स्टोरी है, मैं इस डिस्क्रिप्शन के नीचे ना एक दो वीडियोज के लिंक डाल दूंगा, ठीक है। आई वॉन्ट यू टू डू वन थिंग, मैं ये चाहता हूँ कि अभी आप इस वीडियो को पॉज करो, ठीक है, और आप जाकर उन 2 वीडियोस को देखो, ठीक है, तब जाकर आपको पता चलेगा कि मेरे पास लैपटॉप क्यों नहीं था, और मैं खुद के पैसों पे वो लैपटॉप खरीदने के लिए क्यों गया, और मैंने लैपटॉप क्यों खरीदा, जबकि मैं अपने पेरेंट्स को फोर्स कर सकता था लैपटॉप खरीदने के लिए। अगर आपने वीडियो अभी तक देख लिया हुआ यार तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको चीज बताना चाहता हूँ कि मैंने अपने डैड को उस टाइम पे फोर्स किया कि पापा मेरे को लैपटॉप लेना है, और पापा ने मुझे ये चीज कही कि नहीं, मैं तेरे को नहीं लेकर दूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने तेरे को पहले भी लिया था और तूने खराब कर दिया था, और वो बिल्कुल सही थे अपनी जगह पे, लेकिन ना वो मेरे अंदर ईगो आ गया था कि यार मेरे डैड जिसके पास पैसे हैं और वो मुझे पैसे, मेरे को लैपटॉप क्यों नहीं लेके दे रहे हैं, जब उन्हें पता कि मैं सही काम करने के लिए जा रहा हूँ। ब्रो, अप्रोक्सीमेटली ना 6 महीने काम किया था मैंने अपने सैमसंग A7 फोन पे, और उसके बाद मेरे अकाउंट में ना 60,000 रुपए कमाए थे मैंने एफिलिएट मार्केटिंग से, कोर्सेज बेच बेच के, और उसके बाद मैं लैपटॉप खरीदने के लिए गया था ताकि मैं उसके ऊपर काम वगैरह कर सकूं। देन अगर मैं ये सब चीजें कह सकता हूं तो तू ये सब चीजें क्यों कह रहा है कि तेरे पास पैसे नहीं है? आस्क योरसेल्फ ना, तू जंक फूड खाने के लिए, ये सब चीजें सिगरेट वगैरह खरीदने के लिए, या फिर वो भी बेफालतू की चीजें, तेरे को भी पता है कि तू अपने पैसे कहां पर गलत स्पेंड कर रहा है, तो तू कैसे बोल सकता है कि तेरे पास पैसे नहीं है? इट्स जस्ट एन एक्सक्यूज कि तू बोल रहा है खुद को कि तेरे पास पैसे नहीं है, इट्स जस्ट एन एक्सक्यूज। तीसरा एक्सक्यूज जो ऑस्कर देता है यार कि ना मैं जिम इसलिए नहीं जा रहा हूं, क्यों? क्योंकि ना मेरी पॉकेट मनी बहुत ज्यादा कम है, मेरे पास पैसे नहीं होते हैं डाइट के। ब्रो, मैं टोटली रिलेट कर सकता हूं यहां पर कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कॉलेज में, मतलब मेजॉरिटी ऐसे बच्चे होते हैं कि जिनके घर वाले उनको ज़्यादा पैसे नहीं भेजते हैं महीने के। क्यों? क्योंकि उनके फाइनेंसेस इतने ज़्यादा नहीं होते हैं। जैसे मैंने वो बच्चे देखे हुए हैं जिनको महीने के 800 रुपये आते हैं घर से, ठीक है, 800 रुपये में महीना चलाना है, और वो बच्चे देखे हुए हैं यार कि जिनको 35,000-35,000 रुपये भी आते हैं, ठीक है। मैं मान सकता हूँ कि तुम एक ऐसी कैटेगरी में हो यार जिसके पेरेंट्स ना तुझे 2,000-3,000 रुपये सेंड कर रहे हैं ऑन मंथली बेसिस, और अब तू ये चीज़ सोच रहा है कि यार मैं वर्कआउट कैसे किया करूँगा, मतलब मैं तो वर्कआउट करने जाता हूँ लेकिन मेरे पास तो पैसे ही नहीं है।
ऑन अ एवरेज बेसिस अगर हम देखे जाए ना, तो जिम की जो मेंबरशिप होती है ना, अगर मैं अपने कॉलेज की बात करूं तो 3 महीने की जिम की मेंबरशिप आती है 2500 रुपए की. एंड आई कैन टोटली रिलेट कि यार तेरे दिमाग में ये होगा यार कि जिम की फीस ज्यादा चली जाएगी, 1500 रुपए भैंचो 700 रुपए तो जिम की फीस में ही चले जाते हैं, तो मैं क्या करूं. तो किसने तुझे बोला हुआ है कि तुझे बॉडी बिल्डर बनना है? किसने तुझे बोला हुआ है कि तुझे बॉडी बिल्डर बनना है? वर्कआउट क्यों करते हैं? वर्कआउट में क्यों कर रहा हूं? अच्छा दिखने के लिए ना, ताकि मैं खुद को इंप्रूव कर सकूं, मेरी हेल्थ वगैरह अच्छी रहे, राइट? तो क्या वर्कआउट सिर्फ जिम के अंदर जाके ही होता है? तू क्या बॉडी वेट वर्कआउट वगैरह नहीं कर सकता है? तू मानेगा नहीं इस चीज को, लेकिन मेरे घर में ना मेरा रूम है, उस रूम में एक बहुत बड़ा बेड है सिंगल, एक सोफा लगा हुआ है और एक मंदिर है, ठीक है? और वहां पर पता है कितनी सी जगह है, मैं इतनी सी जगह है कोई मान लो, ठीक है? मेरे पास वीडियोस पड़ी हुई है सैमसंग वाली फोन पे, मैं लेकिन इस वीडियो के अंदर डालूंगा नहीं, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू बिलीव मी ऑन दिस, ठीक है? मैं लॉकडाउन में घर पे गया था ना, तो मेरे घर पे ना थोड़ा सा बॉडी फ्री वेट पड़ा हुआ है, मैं तब मैं पंपडअप हुआ करता था, हाँ भाई वर्कआउट करना है, वर्कआउट करना है, मैं उसके साथ वर्कआउट वगैरह करते रहता था वहां पर उतनी सी छोटी जगह पे. बेंच प्रेस कैसे किया? जमीन पे लेटे वो रॉड डाली और डंबल लिए और ऐसे ऐसे करते रहे. चल मैंने मान लिया कि तेरे पास वो नहीं है बॉडी, मतलब कोई भी डंबल वगैरह नहीं है, तू एक कॉलेज स्टूडेंट है, ठीक है? तो कौन तुझे बोल रहा है यार कि तुझे महंगी जिम में जाना है? तेरे कॉलेज में कोई ना कोई खुद की जिम भी होगी, मेजोरिटी कॉलेजेस में होती है. और अगर तेरे कॉलेज में नहीं है वो वाली जिम, अगर तू वहां पर भी नहीं जा सकता, ठीक है, तो ग्राउंड में जा, कैलिस्थेनेटिक्स सीख, अपने वीडियोस वगैरह देख के बॉडी वेट वर्कआउट कैसे करते हैं, पुशअप्स मारना सीख, पुलअप मारना सीख, बॉडी वेट स्क्वाट करना सीख ऑन अ डेली बेसिस. यार कुछ ना कुछ तो कर एज अ मैन खुद की फिजिक डेवलप करने के लिए. तू चल रहा है, तेरी पीठ पे ऐसे टेढ़े होके तू चल रहा है, बाजुओं में तेरे दम है नहीं, टी शर्ट पहनते तो ऐसे खुली खुली ऐसे लटकी हुई है, कोई भी शर्ट तेरे पे अच्छी नहीं लगती है, तो तू एज अ मैन खुद को क्यों इंप्रूव नहीं कर रहा है, खुद की फिजिक क्यों इंप्रूव नहीं कर रहा है? पैसा ही दिक्कत है ना. तो डाइट खाने के लिए कौन बोल रहा है कि तेरे को प्रोटीन वगैरह लेना है, 3000 रुपए तेरी पॉकेट मनी आती है, कौन बोल रहा है तेरे को? मेस में जा, मेस का खाना खा, साथ ही में यार जो रॉ वेजिटेबल्स, अब मेरा मैं एक चीज बताना चाहता हूं, चीपेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन में आती है ये दाल, मूंग दाल, ठीक है? मेरी हिम्मत नहीं पड़ती है इसको खाने की, मेरे को मन नहीं करता इसको बिल्कुल भी खाने का, क्योंकि मेरे घर वाले पैसे दे देते हैं, मैं अंडे वगैरह चिकन वगैरह खा लेता हूँ, ठीक है? लेकिन अगर तेरे पास पैसे नहीं है तो तू इसे खा, पैसा ही प्रॉब्लम है ना, तो इसे खा. तेरे को प्रोटीन वगैरह चाहिए तो अपनी डाइट, कौन तेरे को बोल रहा है कि यार तेरे को वो पूरा मतलब वर्कआउट वगैरह करना है और तेरे को बॉडी बिल्डर वगैरह ही बनना है? वर्कआउट कर और अच्छा खाना खा बस. और अच्छा खाना मैस का खाना भी हो सकता है ऑन अ डेली बेसिस, दूध वगैरह तेरे को मैस में मिल जाया करेगा, दही वगैरह तेरे को मैस में मिल जाया करेगा. वर्कआउट कर अच्छे से, दबा कर अच्छे से, खाना खा बस. बॉडी बिल्डर बनने के पीछे मत भागना अभी, इसके पीछे भाग की एक हैबिट बनानी है. जैसे कि तूने, जैसे कि ऑस्कर का ना एक एक्सक्यूज होता है कि मैं खुद का स्किल सेट इसलिए इंप्रूव नहीं कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास ना कोर्स खरीदने के पैसे नहीं है, कोर्स खरीदने के पैसे नहीं है. ब्रो मेरा एक ना यूट्यूब क्रिएटर फ्रेंड है, असली प्रिया दर्शन उसका नाम है, ठीक है? आप यूट्यूब पर सर्च भी कर सकते हो उसको, ठीक है? ही इज अर्निंग अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, मतलब वो अच्छा खासा पैसा कमा रहा है इंस्टाग्राम से, अपने कोर्सेज वगैरह बेच के, अपने सर्विसेज वगैरह बेचकर, ठीक है? अच्छा खासा पैसा कमा रहा है और उसके ना यूट्यूब वीडियोज ना बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, ठीक है? और मैंने उसके साथ परसों में बात कर रहा था तो, और मैंने उसको पूछा कि भाई अभी तो उसके पास पैसे होंगे, राइट? तो इसका ये मतलब है कि भाई वो कहीं ना कहीं पर किसी कोर्स पे भी सीख, मतलब पैसे इन्वेस्टमेंट किए होंगे कि उसने वीडियो एडिटिंग उससे सीखी हुई होगी. एक मिनट, एक एरोप्लेन जा रहा है ऊपर से, आई मीन माई हॉस्टल ना. Bro, my throat, यार मेरे गले में दर्द हो रहा है. तो मैंने उससे पूछा कि ब्रो तूने ये क्या कहते हैं, ये कैसे मतलब एडिटिंग वगैरह सीखी, कोई कोर्स वगैरह लिया हुआ, कैन यू रिकमेंड मी? उसने बोला कि जितने भी ये मैं वीडियोस बनाता हूँ ना, इन सब की एडिटिंग ना मैंने यूट्यूब से सीखी हुई है. ब्रो कोर्स ना पता है तू कब खरीदेगा? जब ना कोर्स खरीदना सिर्फ और सिर्फ एक्सक्यूज होता है कि मैं इसलिए स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कोर्स खरीदने के पैसे नहीं है. अगर तेरे पास कोर्स खरीदने के पैसे नहीं ना, तो यूट्यूब पे वो हर एक चीज़ फ्री में पड़ी हुई है जो तू सीखना चाहता है. तू ट्रेडिंग सीखना चाहता है,
ट्रेडिंग के भी यूट्यूब क्रिएटर्स कुछ ऐसे ऐसे हैं जो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं इंडिया में। वीडियो एडिटिंग सीखनी है, बस डाल तो सही, यूट्यूब पे बैठ तो सही, 100 वीडियोस देख, 200 वीडियोस देख, तभी जाके तो सीखेगा ना। टेक इट एज अ मोटिवेशन यार, मैं तो वही सब चीजें बोल रहा हूं ना जो मैं करता हुआ आया हूं लाइफ में। यू कैन नॉट इवन क्वेश्चन मी ऑन दिस कि भाई तू ऐसे क्यों बोल रहा, तूने तो ये सब किया हुआ नहीं है। भाई किया हुआ है, जब घर वाले सपोर्ट नहीं ना करते थे तब ये सब भी किया हुआ है, चीजें वहीं से सीखी हुई है। यूट्यूब पे मेरे को स्टोरी टेलिंग नहीं आता था कि स्टोरी टेलिंग कैसे करते हैं, तो यूट्यूब पे वीडियोस हैं जो वहां पर देखी, 10-15 वीडियोस यूट्यूब की देखी हुई है, और वहीं से करके एक स्टोरी टेलिंग पे वीडियो बनाया था, जब मैंने वो बताया हुआ था कि मतलब एक स्टोरी करके सुनाई थी हुई थी जिसका नाम था लड़के का कृष्णा, वो मैंने अपने यूट्यूब पे वीडियो डाला हुआ है कि हाँ मेरे साथ उस दिन पे क्या हुआ था, ब्रेकअप जब मेरा हुआ था, वो स्टोरी टेलिंग से सीख के मैंने बनाया हुआ था। अब अगर ये सब मैं यार करने के बाद मैं एक्सक्यूज नहीं दे रहा हूं, और मैं उन लोगों को देखता हूं यार जिन्होंने एक्सक्यूज नहीं दिए और आज वो देखो कैसा लाइफस्टाइल जी रहे हैं, तो ऑस्कर और ब्रो तू जो ये वीडियो देख रहे, क्यों खुद को एज अ मैन इंप्रूव नहीं कर रहे हो? द क्वेश्चन ऑफ ऑल ऑफ दिस कि तुम ऑन अ डेली बेसिस वो जो एज अ मैन जो तुम्हारा हक है, जो तुम्हारी ड्यूटी है जिन हैबिट्स को डेवलप करना, वो तुम क्यों नहीं कर रहे हो? क्यों खुद को इतना कंफर्ट बना के कंफर्ट जोन में डाला हुआ है? द क्वेश्चन इज क्यों तुम खुद को इंप्रूव नहीं कर रहे हो यार? ऑस्कर के साथ मेरी बात हो रही थी एंड ऑस्कर सेड वन वेरी थिंग, ही सेड कि यार मैंने कहीं पर पढ़ा कि लाइफ में ना जो 99% प्रॉब्लम्स होती है ना तो वो पैसे की वजह से होती हैं, और जो 1% प्रॉब्लम है ना तो वो प्रॉब्लम है पैसा, कि मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं अपनी 99% प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करूं। मैंने कहा अच्छा पैसा प्रॉब्लम है ना, देन बी अ मैन, एक्सेप्ट इट कि मेरे पास पैसा नहीं है, लर्न करो स्किल्स को, लर्न करो, काम करो उन पे, गलतियां वगैरह करो, फिर लर्न करो और फिर काम करो, काम करते रहो, और आने वाले कुछ महीनों में तुम कहीं ना कहीं पर इस सिचुएशन में जहां पर हो इससे उठकर तो कहीं पर चले जाओगे। तुम्हारे अकाउंट में तुम्हारे महीने का आज के टाइम पे तुम्हारी इनकम है जीरो, तो क्या तुम 4-5 महीने काम करोगे किसी एक स्किल के ऊपर? क्या तुम्हें 1,000 रुपए नहीं कमाना शुरू कर दोगे? तुम ज्यादा कमाना शुरू कर दोगे ब्रो, लेकिन काम तो कर, जो तेरा एज अ मैन जो तेरी ड्यूटीज है उसको, उसके ऊपर उन चीजों के ऊपर काम कर, खुद को सेल्फ इंप्रूवमेंट की तरफ लेकर जा। एक मैं चीज बताना चाहता हूं, एक क्रिएटर है हमजा, ठीक है, मैं उनकी एक वीडियो देख रहा था, ठीक है, और उन्होंने एक चीज कही कि योर ब्रेन इज अगेंस्ट यू, ठीक है, योर ब्रेन इज योर एनिमी। और जब उन्होंने ये सब चीजें मतलब थोड़ी आगे एक्सप्लेन की ना, फिर जाके यार मेरे को समझ आया यार भाई ये तो बिल्कुल सही बात बोल रहा है। मतलब इसका ये मतलब था कि यार हमारा दिमाग तो हमारे खिलाफ है ना, क्योंकि मेरा दिमाग तो हमेशा मेरे को बोलता है रहता है कि भाई आज सुबह जिम में रहने दे यार। इवन तो आज सुबह मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मेरा रात को मेरे को नींद नहीं आ रही थी, ठीक है, रात को मेरे को नींद नहीं आ रही थी, क्यों? क्योंकि मेरी एक गलत हैबिट है ना मेरे अंदर कि कभी कभी मैं रात को स्टिंग पी लेता हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है बाहर, जिस हैबिट को मैंने कम करना है। अब मेरे को ये चीज रियलाइज हुई है कि जिस दिन मैं स्टिंग पीता हूँ ना और जिस दिन रात को चाय पीता हूँ ना तो मेरे को रात को नींद नहीं आती है, क्योंकि कैफीन होता है उसके अंदर। तो रात को मैं 11:30 बजे सोया और मेरे को रात को नींद 2:30 बजे तक नहीं पड़ी, ठीक है, इसलिए मैंने डिसाइड किया 1 बजे कि मैं पॉडकास्ट सुनना शुरू कर देता हूँ, ठीक है, ताकि थोड़ी मेरे को नींद आए। तो एंड्रयू ह्यूबरमैन का कोई स्लीप के ऊपर पॉडकास्ट था, स्लीप के बारे में वो सिखा रहे थे कि एडिनोसिन करके कोई हमारे अंदर ब्रेन के अंदर हार्मोन होता है और मेलेटोनिन, पता नहीं मेरे को, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ लेकिन मैं ऐसे सीख रहा था, ठीक है। और मतलब मैंने ये चीज़ रियलाइज हुई यार कि जो मतलब मेरा दिमाग है वो तो आज तक मेरे को यही बोलता आया हुआ था ना कि लेट तक सो, अगर दोस्त वगैरह तेरे घूमने वगैरह के लिए जा रहे हैं तो जा, अच्छा आज एक काम कर आज हिला ले यार, कितना तूने मतलब कितने दिन से नहीं हिलाया हुआ, मैस्टरबेट कर ही ले, क्या जाता है, क्या हो गया, अपनी एनर्जी कर दे रिलीज, है ना। कितनी बार मेरा दिमाग ये मेरे को बोलता है, एक्सक्यूज लेकर आ जाता है कि भाई क्यों काम नहीं करना है, क्यों ये नहीं करना है, क्यों ये जंक फूड खाना है, कितने एक्सक्यूज लेकर आ जाता है, राइट। लेकिन मान लो अगर मेरा यहां पर ये माइंडसेट हो जिसको मैं डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूं, और यहीं पर ट्विस्ट है कि मैं अपने दिमाग को बोलता हूं नहीं ब्रो मेरे को आज जिम जाना है, चाहे जो मर्जी हो जाए लेकिन मैं वर्कआउट करूंगा, चाहे जैसा मर्जी जाए, और आज सुबह मेरा दिमाग मेरे, क्योंकि मेरी नींद कम थी और मेरे को सुबह बिल्कुल भी उठाने जा रहा था, मेरा दिमाग मेरे को बिल्कुल मतलब एंड तक वो कर गया था कि नहीं सक्षम फिर से सोचा, लेकिन मैंने बोला कि नहीं मैं वो चीजें तुम्हें तब तक कैसे सिखा पाऊंगा जब तक मैं खुद उनको अपनी लाइफ में इंप्रूव नहीं करूंगा। मैंने अपने आप को बोला कि नहीं भाई जिम जाना है, जिम जाना है, अपने दिमाग को बोला कि तू शट अप, मतलब तू माचुदा और मैं अपना काम करूंगा,
मेरे लिए जो एज अ मैन खुद को इंप्रूव करना है मैं वो काम करूंगा और मैं जिम जाऊंगा। और आज टू बी ऑनेस्ट टचवुड मैं ये चीज कहना चाहता हूं कि मैंने अपनी लाइफ में अपने पीआर को हिट किया शोल्डर पे, 27.5 केजीज ऑन अ सिंगल हैंड डंबल को मैंने लिफ्ट किया, ठीक है, और उसके 5 से 6 रेपिटेशन मारे अवंती की थोड़ी सी सपोर्ट के साथ, और मैंने पहली बार लाइफ में स्क्वाट्स 90 केजी मैंने उठाया स्क्वाट पे। यू मतलब मैंने अपने, और अगर तू अपना दिमाग ऐसा बना ले कि तेरा दिमाग तेरे को, तू अपने दिमाग को बोले, तेरा दिमाग तुझे बोल रहा है यार कि नहीं यार पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, मैं क्या करूं, लेकिन तू अपना दिमाग को बोले कि भाई पैसे नहीं है तो क्या हो गया, मैं रास्ते ढूंढूंगा, मैं मेरे रास्ते ढूंढूंगा कि पैसे कैसे कमाने हैं। तेरा दिमाग तुझे बोलेगा कि तू सुबह, भाई रहने दे, सो जा, सुबह तो वैसे भी उठा नहीं जाता है, तू अपने दिमाग को बोलेगा कि नहीं मेरे को पता है कि सुबह कैसे उठना है, कि मैं जल्दी सोऊंगा तो मैं सुबह जल्दी उठूंगा, तो आज मैं जल्दी सोऊंगा। सोच, तेरा दिमाग तुझे कंट्रोल नहीं कर रहा है, तू अपने दिमाग को कंट्रोल कर रहा है, और अगर तूने एक साल तक ऐसा कर दिया तो खुद सोच कि तू क्या इंसान बनेगा। समझ आ रही है चीजें? इफ आई एम डूइंग ऑल ऑफ दिस एज अ कॉलेज स्टूडेंट, खुद को इंप्रूव कर रहा हूं, तू क्यों नहीं कर रहा है? आस्क योर सेल्फ दिस क्वेश्चन कि क्या जो तू खुद को एक्सक्यूजेस दे रहा है वो सिर्फ और सिर्फ सच्चाई है, या फिर सिर्फ और सिर्फ एक्सक्यूजेस दे रहा है जो तू अपने दिमाग को बोल रहा है? क्यों? क्योंकि तू इतना ज्यादा वीक है अपने दिमाग के इमोशंस के लिए कि जो तेरा दिमाग तुझे बोल रहा है कि तू वही कर रहा है, बल्कि तेरा तेरे दिमाग के ऊपर कुछ भी कंट्रोल है ही नहीं। फ्रॉम दिस वीडियो मैं चाहता हूं कि तू एक चीज सीख कर जाए, और वो ये है कि तू 100% रिस्पॉन्सिबल है सभी चीजों का जो तेरी लाइफ के अंदर हो रही है। तू ही रिस्पॉन्सिबल है तेरी लाइफ में, ना तेरे पेरेंट्स, ना तेरी गर्लफ्रेंड, ना तेरे दोस्त, तू ही रिस्पॉन्सिबल है कि तू अपनी लाइफ बर्बाद करेगा या फिर सुधारेगा। आज से कोशिश करियो, मैं बोल रहा हूं कोशिश करियो कि तू अपना रील की जगह पे जो टाइम वेस्ट करता है ना, अपने पॉडकास्ट वगैरह सुना करेगा, ठीक है, पॉडकास्ट वगैरह सुना करेगा, और तू अपने माइंडसेट को डेवलप करेगा, वर्कआउट करना स्टार्ट करेगा ताकि तू अपनी फिजिक को डेवलप कर सके, और एक नई स्किल सीखने की तरफ जाएगा जिससे तू यार अपने आप को, अपने फैमिली को, अपने मॉम डैड को, अपने भाई को, बहन को और अपनी गर्लफ्रेंड को एक अच्छा लाइफस्टाइल दे सके। एंड इन द एंड, और आखिरी में यार, आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड दिस कि तू वो इंसान बन जो तू चाहता है कि तेरा बेटा बने। बी अ मैन दैट यू वॉन्ट योर सन टू बी। ये चीज आई गेस इससे ज्यादा मोटिवेशन नहीं है कि यार तू खुद वो इंसान बने जो तू चाहता है कि जो तेरा बेटा बने। आई होप यार तूने इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा हुआ होगा। जस्ट इंप्रूव योर सेल्फ एज अ मैन, देयर इज नथिंग आई, मैं इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहता हूं तेरे से। खुद को इंप्रूव कर, मैं कर रहा हूं, तू भी कर, कोई ऑप्शन नहीं है। बी अ मैन, एक्सेप्ट योर फेट कि हाँ ये है लाइफ के अंदर, ये प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, इन्हें मैं ओवरकम करूंगा, सिंपल। आई होप यू एंजॉयड, टिल देन इंट्रो भी खत्म, आउट्रो भी खत्म करना नहीं आया। आई होप यू एंजॉयड इन दिस वीडियो, शेयर इट विद अ फ्रेंड जिसको साथ तुझे लगता है कि यार ये वीडियो से हेल्प करेगा। Till then, I'll see you all in the next video. Saksham Mahajan this side. Peace.